इज ऑल्सो द बर्थ स्टार फॉर चंद्रा। चंद्र का बर्थ स्टार है, नक्षत्र है, जिसमें चंद्रदेव या मून का जन्म हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट शास्त्र जो है ना, कुछ कुछ चीजें कहते हैं, जैसे कि बृहत संहिता जो है वारामीरा के द्वारा, वो कहती है द स्टार कृतिका प्रिसाइड्स ओवर द फॉलोइंग वाइट फ्लावर्स, ब्राह्मण्स हु मेंटेन एंड वर्शिप द सीक्रेट फायर डेली, नोवर ऑफ द सीक्रेट हिम्स, सैक्रिफिशियल रूल्स, ग्रामेरियंस, माइनर्स, बार्बर्स, पॉटर्स, प्रीस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स। ओके, जातक परिजातक में क्या कहते हैं, इफ बॉर्न इन द स्टार ऑफ कृतिका ही विल बी एनर्जेटिक, लॉर्ड लाइक इन स्टेटस, नॉट डल बट विथ सम वैल्यूएबल लर्निंग। फिर मनसागरी के नाम से क्या बोलते हैं, पर मनसागरी, द पर्सन विल डू सिंफुल डीड्स, विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड टू लुक आफ्टर द हंगर बाय लीविंग ऑल द एक्ट ऑफ प्योरिटी, द पर्सन विल डू प्रोहिबिटेड डीड्स एंड विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग इमोरल एक्ट्स। एज पर देवज्ञ विलास कहते हैं, द पर्सन बॉर्न इन द कृतिका नक्षत्र विल हैव गुड डाइजेस्टिव पावर, हेंस विल बी इंटरेस्टेड इन ईटिंग ऑलवेज, पर्सन विल सैक्रिफाइस द एसेट इवन दो सेल्फ अर्न्ड, विल ऑलवेज हैव कॉन्टैक्ट विथ यूजलेस पीपल, द पर्सन विल ग्लोरिफाई वट एवर अचीव इवन इफ इट इज नेग्लेजिबल, पर्सन विल हर्ट अदर्स बाय टेकिंग रफ एंड विल परफॉर्म ड्यूटीज फॉर द सेक ऑफ फॉल्स प्रेस्टीज एंड शो। जातक बरनाम कहता है, द पर्सन बॉर्न इन द स्टार विल बिहेव वेरी एंग्री, विल बी इंटरेस्टेड इन डूइंग स्टिप्युलेटेड एक्शन अनयूनिसिटेड इन द शास्त्र विच आर डिफिकल्ट टू बी डन बाय अदर्स इन अ चैलेंजिंग मैनर बाय क्रिएटिंग फियर अमंग द पीपल एंड बाय टॉकिंग वेरी पोलाइटली। सेज नारद कहते हैं, द पर्सन विल बी करिज्मेटिक, शॉर्ट टेम्पर्ड, विल ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू एंजॉय लाइफ बाय एनी मीन्स, विल बी बॉर्न ऑफ टू मच हंगर, विल हैव फियर्स नेचर लाइक फायर इन टर्म्स ऑफ अग्नि नक्षत्र। ठीक है, सो ये जो है, जो शास्त्र बता रहे तुम्हें, एक जो कॉमन थीम है वो है अग्नि का, मतलब इन द सेंस भूख का, भूख बहुत ज्यादा होनी है। कृतिका नक्षत्र के नेटिव में ये एक कॉमन टेंडेंसी है, भूख हो रहा। अब ये भूख ना सिर्फ खाने की भूख नहीं है, ये भूख में एक प्रकार से मोटिवेशन का भी भूख है, मोटिवेशन यानी कि किसी चीज को पा लेने की भूख भी। इसीलिए कृतिका इतना इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए कृतिका बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे कि नहीं, उसके लिए आपका भूख डिसाइड करेगा, और उस भूख डिसाइड करने के लिए आपका कृतिका कितना मजबूत है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि कृतिका के अंदर ऑटोमेटिकली भरने वाले गुण आ गए, मतलब ये समझने वाली बात है कि परसिवरेंस आ गया है, पावर टू बियर होल्ड अटैक टेक टाइम वो आ गया है। अब ये मुद्दा आया है, एक चीज और इंटरेस्टिंगली बोली गई कि वेल बी नोवर ऑफ हिम्स एंड नोवर ऑफ ये, सो सेक्रीफिशियल फायर को रखने वाला ब्राह्मण। सो कृतिका नक्षत्र में मैंने तुमको पहले बताया कि अग्निदेव का कॉन्सेप्ट है, इसलिए अग्नि हवन करने वाले व्यक्ति, पंडित जी, ये सारे जो चीजें हैं वो आएगा ही आएगा। बट एक चीज और बोली गई, बार्बर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं वो जो एक्सरसाइज तुमको बताई थी मैंने कि हर दिन का नक्षत्र देखना, आज का कौन सा नक्षत्र है मीनाक्षी जी? अरे एटलीस्ट क्लास वाले दिन तो देख के आया करो, बाकी दिन तो चलो छोड़ो। साथ स्वाती है। हाँ, ही है, बट वो ना पंचांग में लिखा था कि
एक बज के समथिंग, 1:30 बजे तक सोती है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मतलब फिर चेंज हो रहा है उसके बाद। हाँ तो 1:30, हाँ ऑब्वियसली चेंज हो रहा था, अभी तो बोले हैं। मतलब दोपहर के 1:30 बजे तक तो स्वाति नक्षत्र था, तो वो आज के हाँ बाद उसके वही। बाद विशाखा में एंटर हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बता रहा था मैं, बार्बर्स बड़े लोग पूछते हैं कि सर मंगलवार को बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए, इस वाले दिन बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए। अरे कैसे बताऊं मैं, ये कोई मरता है तो बाल क्यों कटवाते हैं, पूछते हैं ना। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि ये बताओ तुम नो शेव नवंबर क्यों मनाते हो, कभी सोचा तुमने कि यार ये नो शेव नवंबर ही क्यों, दिसंबर क्यों नहीं, जनवरी क्यों नहीं, फरवरी क्यों नहीं, कोई और टाइम क्यों नहीं। द आंसर लाइज इन क्रिटिकल। मैक्सी जी आप म्यूटेड हैं तो सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं सुना ये नो शेव नवंबर। हाँ अरे नहीं, दिस इज अ वेरी पॉपुलर थीम, नो अच्छा शेव नवंबर। जैसे ही नवंबर लगेगा ना, पीपल स्टार्ट डूइंग दिस, नो शेव नवंबर चल रहा है अभी, इसलिए शेव नहीं कर रहे। वो आजकल तो साल भर ही शेव नहीं कर रहे हैं लोग। अलग है, बट देर इज दिस ट्रेंड जो कि ऑनलाइन चलता है। अच्छा ओके वेन आई सी नो शेव नवंबर, तो ये ड्यूरेशन कब का है, मीन्स कि अभी तो देखो लिब्रा में सन है, ठीक है, अक्टूबर लगभग लगभग खत्म हो गया, नवंबर चालू है। द मोमेंट सन विल एंटर इन स्कॉर्पियो ना, नो शेव नवंबर शुरू होता है, एंड इट्स एग्जैक्टली द अपोजिट टू कृतिका। मतलब कृतिका से ना ये आठवां पड़ जाता है। एंड वेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू लाइक ना दिस नक्षत्र, देन आई रियलाइज ओ बेसिकली सन जो है ना, जो कॉन्शियसनेस है ना, वो अभी शेविंग को, बार्बर को नहीं देख पा रही है, इस वजह से लोग एज अ जनरल ट्रेंड बना रहे हैं नो शेव नवंबर को, ठीक है। सो कृतिका इज वेरी प्रोमिनेंटली फॉर शेविंग, नॉट हैविंग बियर्ड, नॉट लाइक ना रिमूवल ऑफ द हेयर। क्यों, क्योंकि ये भरनी से, ये जो नक्षत्र है भरनी, इससे 12th में जाता है, इसीलिए बोला जाता था कि जब किसी की मृत्यु हो तो आप तुरंत शेव कराइए। क्यों शेव कराइए या बाल कटवाइए, इसलिए क्योंकि आप, क्योंकि डेथ हुआ है ना, डेथ होना यानी कि भरनी का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस आना, एंड नाउ यू वांट टू मूव टू कृतिका, नाउ यू यू शुड डू इज यू शुड रिमूव द हेयर्स, यू शुड एक्टिवेट कृतिका विद इन योर सेल्फ। इसलिए वो जो रिचुअल है ना, वो कि बाल बनवाने का, रो सब करने का, वो रिचुअल आया कि जिसने भी, क्योंकि आपने किसी, आप क्या बने, जब आप किसी को दाह संस्कार करते हैं, आप किसी को बर्न करते हैं, तो यू आर बेसिकली डूइंग अ जॉब ऑफ बर्निंग, यू आर किलिंग समथिंग ना, यू आर एंडिंग समबडीज लाइफ, यू आर डूइंग अ जॉब ऑफ बर्निंग। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वो सारे जो शक्ति है वो आपके इर्द गिर्द लाई करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जो वो शक्ति जिस जिस एलिमेंट से रिलेट कर सकती है, आप उसको रिमूव कर दीजिए। दैट इज वाई यू रिमूव हेयर्स, यू रिमूव बियर्ड्स एंड ऑल आफ्टर समबडी डाइड। ठीक है, दैट्स हाउ कृतिका इज रिलेटेड। कृतिका इज वेरी प्रोमिनेंटली, आई रिमेंबर समबडी वॉज इन कैंसर लग्न, एंड ही इज अ बार्बर, ओन्स अ बार्बर शॉप, ठीक है। वेन कृतिका फॉल्स इन 10,000, वॉट डू यू एक्सपेक्ट, या बार्बर, बुचर्स, काटने वाले। सो भरनी का क्वालिटी ऑलरेडी है, मैं तुमको समझाया कि कृतिका के अंदर, सो कट करना भरनी के अंदर में तुम्हारा था कि एक्ट ऐसा है, भरनी के अंदर वो एक्ट लाई करता है, जब वो लाई करेगा तो पास ऑन होगा, सेकंड नक्षत्र में जाता है, और सेकंड नक्षत्र में जाने पे वो एक्ट बनता है, एक्चुअली एक्ट ऑफ कटिंग। बुचर्स विल बी सीन इन कृतिका, बार्बर्स आर सीन इन द कृतिका। नाइफ, इसका सिंबल जो है ना, नाइफ दिया है, तुम लोग वो प्लेकार्ड देखोगे ना, देयर इज अ सिंबल ऑफ नाइफ इन इट, कट करना, क्रिटिक्स बनना, यानी कि किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिक्स देना, वो भी कृतिका का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसीलिए कई बार बोला जाता है कि इस सर्टेन डेज पे आप
शेविंग मत कीजिए या बाल मत बनवाइए या बाल मत धोइए या समथिंग समथिंग, एंड दैट हैज वेरी स्ट्रांगली रिलेटेड टू कृतिका. नवंबर तो इसलिए है कि सन स्कॉर्पियो में जा रहा है, जब हम ऐसे करते हैं कि नवरात्रों में शेव नहीं करना, बाल नहीं कटाने, तो कृतिका कहाँ फॉल कर, मतलब व्हाट आर द डेज जिसमें हम ये सब नहीं करते? देर आर देखो बहुत सारे ऐसे डेज हैं जिसमें चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें मना की जाती हैं, और जैसे जो भरनी है वो एक और जो पॉइंट जो मिस कर गए तो वो है, वो देवी का नक्षत्र है. देवी और का, हाँ, देवी का नक्षत्र रिलेट करता है भरनी से, इसीलिए जब भरनी की बात आएगी ना तो फिर शेविंग नहीं करनी है, मतलब कृतिका से 12, क्योंकि भरनी का रिप्रेजेंटेशन खुले बालों से है, ठीक है, और कृतिका का रिप्रेजेंटेशन एज अ यंग कुमार से. तो किसकी एनर्जी एक्सेस करनी है वो उस हिसाब से है कि तुम्हें भरनी की एनर्जी चाहिए कि सन की एनर्जी चाहिए.